तो आज की क्लास में हम लोग एक नए टॉपिक के साथ मिल रहे हैं, दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। कुछ ऐसे स्पेसिफिक एंगल्स होते हैं जैसे 0 डिग्री हो गया, 30 डिग्री हो गई, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। ये कुछ पांच एंगल्स हैं जिसकी वैल्यूज हमें क्या होनी चाहिए, पता होनी चाहिए, और उसके आधार पर फिर हम लोग क्या करते हैं, न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। तो अब इसके लिए आप क्या कीजिए ना, एक छोटा सा डायरेक्टली टेबल बना लीजिए। यहाँ पे आप एक छोटा सा क्या बनाइए, टेबल बना लीजिए। तो इस प्रकार से एक छोटा सा टेबल बनाइए, एक ही टेबल में आपका सारा वैल्यू हम कोशिश करते हैं इंसर्ट करने का, और इससे आपका क्या होगा, एक ही टेबल से आपका काम हो जाएगा। तो ऊपर हम लोग ले लेते हैं 30 और इस तरफ हम लोग सारे ट्रिग्नोमेट्री के वो ये ले लेते हैं, और यहाँ पर आपको ऐसा करते हैं, यहाँ पे पांच एंगल यहाँ लिख लेते हैं, एक एक दो तीन और ये बड़ा छोटा हो गया क्या, ये वाला काफ़ी बड़ा हो गया ना, कौन सा, ये वाला, अच्छा ठीक है, पहले एक और बना लेता हूँ फिर इसको हम लोग सेट कर लेंगे। ठीक है, ऑलमोस्ट बराबर हो ही दिख रहा है ना। चलिए, और इस तरफ पांच एंगल्स ले लेते हैं, टोटल 6 है ना ऐसे एंगल्स, तो ये एक तेरह हो रहा है ना थोड़ा, एक इसको सही कर लेंगे पहले, ये देख लें कि आ गया ना पांच, लगभग ठीक ही है। और ऐसी एक लाइन बनाते हैं, लमसम ठीक ही ठाक कुछ तो बन गया। अब देखिए, अब यहां पे आप लिख लीजिए साइन थीटा, यहां आप लिख लीजिए कॉस थीटा, यहाँ लिख लीजिए टैन थीटा, यहाँ लिख लीजिए कोसेक थीटा, यहाँ लिखिए सेक थीटा, और यहाँ लिख लीजिए कॉट थीटा। और इस तरफ आप एंगल्स डाल लीजिए 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। ये आपने इसमें क्या डाल दिया। अब यहां पर आप ऐसा लिख, क्या बोले, हाँ हाँ हाँ, इन्हीं एंगल्स का ट्रायंगल बनेगा, और उसके साइन कॉस टैन कोसेक सेक टैक कॉट का हमें वैल्यू भी पता रहता है। ये होता है 0, ये होता है 1/2, ये होता है 1/√2, ये होता है √3/2, और ये होता है
वन, ठीक है, और जो वैल्यू आपने इसमें लिखा है इसको एग्जैक्टली उल्टा कर दीजिए, वन रूट थ्री बाई टू, वन बाई रूट टू, हाफ और ये जीरो। फिर टेन में आप क्या कीजिए, साइन बाई कॉस, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, जीरो बाई वन इज जीरो ओनली, इसको इससे डिवाइड करिएगा तो क्या आएगा, वन बाई रूट थ्री, इसको इससे डिवाइड करिएगा वन, इसको इससे डिवाइड करिएगा यह आएगा रूट थ्री, और इसको इससे डिवाइड करिएगा क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी। ये तो इस तरफ का हो गया, एंड देन आप जानते हैं कोसेक थीटा वन अपॉन साइन थीटा होता है, वन अपॉन जीरो, ये क्या हो जाएगा, इन्फाइनाइट। इसका रेसिप्रोकल ये हो जाएगा टू, इसका रेसिप्रोकल ये हो जाएगा रूट टू, इसका रेसिप्रोकल ये हो जाएगा टू बाई रूट थ्री, और इसका रेसिप्रोकल तो वन है तो वन ही रहेगा। अब इसको उल्टा करके यहां भर दीजिए, और लास्ट कॉट थीटा इसका इन्वर्स कर दीजिए, या फिर इन दोनों ही इसका इन्वर्स कर दीजिए, टेन थीटा का इन्वर्स, तो वन बाई जीरो इन्फिनिटी, दिस रूट थ्री, ये वन, ये वन बाई रूट थ्री, और ये जीरो। ये सारी वैल्यूज आपको क्या होनी चाहिए, ध्यान होनी चाहिए। देन ये टेबल अगर आपको याद हो गया, उसमें भी पहला ही वैल्यू सिर्फ याद करना पड़ता है, बाकी का तो हम लोग तुरंत देख देख के निकाल लेंगे, सिर्फ फर्स्ट जो ये कॉलम है यही याद करना पड़ता है। इसको भी याद करने का एक टेक्निक है, वो जानते हैं कि नहीं जानते, जैसे ये साइन थीटा ये याद करना पड़ेगा, इसको भी याद करने का मैं टेक्निक बता देता हूं, वो देख ली। साइन ऑफ थीटा को याद करना है, और एंगल्स आपको क्या क्या दिया हुआ है देखिए, ये वाला भी मैं आपको याद करने का टेक्निक बता देता हूं, जीरो डिग्री है, थर्टी डिग्री है, 45 डिग्री है, 60 डिग्री है, 90 डिग्री है। अब आप क्या कीजिए, 1 बाई 4, 2 बाई 4, सॉरी 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 0 बाई 4, 1 बाई 4, 2 बाई 4, 3 बाई 4 एंड 4 बाई 4, डन। अब देखिए 0 बाई एनीथिंग इज 0, अंडर रूट 0 इज 0, तो साइन 0 कितना आ गया, अब 1 बाई 4 यानी क्या आ गया, अंडर रूट 1 बाई अंडर रूट 4, अंडर रूट 1 तो 1 होता है, रूट 4 का अंडर रूट क्या हो जाएगा 2, तो इसलिए साइन 30 डिग्री 1 बाई 2, साइन 30 डिग्री क्या आ गया 1 बाई 2। इसको देखिए अंडर रूट 2 और ये अंडर रूट 4, ये क्या आ जाएगा देखिए, ऊपर आ जाएगा अंडर रूट टू और नीचे आ गया टू, रूट टू से रूट टू कट जाएगा, क्या बचेगा वन बाई रूट टू, तो इसलिए क्या बचा वन बाई रूट टू। इसको देखिए क्या बचेगा, अंडर रूट थ्री और नीचे रूट फोर का क्या हो जाएगा टू, और ये फोर से फोर वन, रूट वन क्या होता है वन, पहला वाला आ गया जीरो, वन बाई टू, वन बाई रूट टू, रूट थ्री बाई, और इसको याद कैसे रखना है, वन टू थ्री फोर लिख दीजिए, जीरो वन टू थ्री फोर, सबको फोर से डिवाइड कीजिए और उसका अंडर रूट ले लीजिए, ठीक है, याद रखना याद रह जाएगा, ये शॉर्ट ट्रिक है, ठीक है, ऐसा होता नहीं है क्या, बस शॉर्ट ट्रिक है, क्या पहले ऐसे जीरो वन टू थ्री फोर लिखें, सबको चार से डिवाइड दे दीजिए, उसका अंडर रूट ले लीजिए। साइन एक बार आ गया तो साइन के बाद तो सब आसान है, साइन के बाद कैसे आसान है देखें, एक बार आपने ये साइन लिख लिया, साइन जीरो ये लिख लिया, कॉस जो होता है ना वो देखिए एग्जैक्टली मैंने क्या किया है, ये जीरो को यहां लिख दिए, वन बाई टू को यहां लिख दिए, ये ऐसे ही रह गया, ये यहां चला गया, ये यहां चला गया, उल्टा कर दिए, तो जो साइन जीरो होता है वही कॉस नाइन्टी होता है, और जो कॉस जीरो होता है वही साइन नाइन्टी होता है, अपोजिट। अच्छा टेन लिखना है तो साइन बाई कॉस होता है, तो जीरो बाई वन, इन दोनों को डिवाइड दे दीजिए, डिवाइड दिए तो ये बन गया। अब कोसेक होता है इसका रेसिप्रोकल, कोसेक इज इक्वल टू वन अपॉन साइन थीटा, लास्ट क्लास में पढ़ाए थे,
इसका रेसिप्रोकल तो 0 बाई 1 इनफिनिटी, 1 बाई 2 का रेसिप्रोकल 2, इसका रेसिप्रोकल रूट 2, इसका 2 बाई रूट 3 और 1 का 1। एक बार कोसेक आ गया फिर इसको उल्टा कर दिए, और जो कॉट होता है वो इसका उल्टा होता है, टैन का उल्टा, पढ़े देना टैन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा, 0 वहां इनफिनिटी ऊपर, 1 बाई रूट 3 यहां, रूट 3 उधर और 1 का 1, आसान हो गया। तो अगर एक साइन थीटा आपको ठीक से याद है बाकी सारा तो आपको आसानी से याद, और कर एक दो बार सॉल्व करेंगे ना न्यूमेरिकल फट से उसके बाद आपको याद रहने लग जाएगा। बस साइन थीटा एक बार याद आ गया तो आप फिर क्या कर सकते हैं, कॉस थीटा ऐसे निकाल लिए, इसका अपोजिट कर दिए, तो इसका अपोजिट किए तो ये हो गया 1, ये हो गया रूट 3 बाई 2, ये एज इट इज रह गया, ये ऐसा हो गया और ये क्या हो गया 0। टेन थीटा निकालना है तो इन दोनों को डिवाइड कर दिए तो ये तो हो गया 0, इन दोनों को डिवाइड किया हुआ 1 बाई रूट 3, इसको डिवाइड किए हो गया 1, इसको डिवाइड किया हो गया रूट 3, इसको डिवाइड किए हो गया इन्फिनिटी। टेन हो गया तो फिर कोसेक, कोसेक थीटा क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल, तो ये ऐसा, इसका रेसिप्रोकल 2, इसका रेसिप्रोकल रूट 2, इसका रेसिप्रोकल 2 बाई रूट 3, और 1 का रेसिप्रोकल तो 1 ही होता है। सेक थीटा, इसको निकालने का दो तरीका है, एक या तो कॉस का रेसिप्रोकल कर दीजिए या इसको उल्टा लिख लीजिए, बात एक ही है, 1 2 बाई रूट 3 रूट 2 2 और इन्फिनिटी, और आखिरी है कॉट थीटा। तो कॉट थीटा के लिए तो सिंपल सा टेक्निक है, कॉट थीटा के लिए सिंपल सा टेक्निक है, क्या है कॉट थीटा का टेक्निक, टेन थीटा को क्या कर दीजिए, रेसिप्रोकल कर दीजिए, कॉट थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा का उल्टा, अब यहाँ 0 है वहाँ इन्फिनिटी है, तो इन्फिनिटी यहाँ ले आइए, ये रूट 3 यहाँ आ जाएगा, ये एज इट इज ऐसा ही रह गया, ये 1 बाई रूट 3 यहाँ चला गया, और 0 कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, नहीं वाह फट से हो गया। तो एक बार ये साइन थीटा याद हो जाए बाकी का तो आप फट से निकाल लें, एकदम सरल मेथड है, कोई इसमें दिमाग लगाना नहीं है। और ये टेबल या तो आप निकाल लीजिए, या आप टेक्निक याद रख लीजिए, या वैल्यू याद रख लीजिए, कैसे भी करके ये मुझे याद होना चाहिए तभी मैं इसे न्यूमेरिकल बनेगा, और एल्स हमसे न्यूमेरिकल बनने वाला नहीं है। तो